गुड आफ्टरनून। आज मैं बीकॉम सेकेंड ईयर का पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन का जो बचा हुआ टॉपिक है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था नेथिलीन, अब हमें पढ़ना है फेनेंथ्रीन के बारे में। नेथिलीन में हमने पूरा बता दिया था, ठीक है, ऑक्सीडेशन कैसे होता है, रिडक्शन न्यूट्रोफिलिक, ये सब बता दिया था, ठीक है। फिर नेफ्थाल भी पढ़ना है, थैलामाइन भी पढ़ा है, हैलोजिनेटेड नेफ्थलीन। फिर क्या हमें पढ़ना है आपको, नेफ्थलीन तो हो गया, इंथ्रासीन का मैंने कहा था कि ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि नंबरिंग कहाँ से करते हैं, ये पहला पोजीशन हो गया, ये दूसरा पोजीशन हो गया, ये तीसरा पोजीशन हो गया, ये चौथा पोजीशन, ये पाँचवा, ये छठा, ये सातवा, आठवा, नौवा, दसवा, ये मैंने बताया था। फिर बात करते हैं कि इसके आइसोमर के, ये भी मैंने बता दिए थे कि इसके चार आइसोमर होते हैं, इंथ्रासीन के चार आइसोमर होते हैं, कौन कौन से होते हैं आपका, ये मैंने दिखा दिया था, बस इसका बता दो कि बन गिन गई है। फिर मैंने आपको बताया था सिंथेसिस, सिंथेसिस में क्या बताया था कि जब दो मॉलिक्यूल बेंजाइल क्लोराइड के, जब दो मॉलिक्यूल ये बेंजाइल क्लोराइड के हम लेते हैं तो आपका पहले ये बनेगा, इसका नाम होता है 9-10 डाइहाइड्रो इंथ्रासीन। तो फिर इसका इंथ्रासीन 9-10 डाइहाइड्रो इंथ्रासीन, फिर इसका जब रिडक्शन कराएंगे तो इंथ्रासीन बन जाएगा। फिर मैंने एल्वे रिएक्शन के थ्रू बताया था, ये था आपका फीडर ग्राफ के थ्रू मैंने बताया था, इसके पहले बताया था। दूसरा बताया था मैंने आपका एल्वे मेथड के थ्रू एल्वे रिएक्शन, इसमें क्या हो रहा है कि जब आपका बेंजोइल टॉलविन आर्थो बेंजोइल टॉलविन को जो पायरोलिसिस कराते हो, पायरोलिसिस, तो आपका इंथ्रासीन बन जाता है। फिर क्या कह रहा, तीसरा मेथड क्या है, 1-4 नेफ्थोक्विनोन को जब हम क्या करा रहे हैं, 1-3 ब्यूटाडाइन से रिएक्शन करा रहा है, तो क्या बन रहा है आपका 9-10 डाइहाइड्रो इंथ्रासीन बनता है। फिर इसका अल्कोहल के साथ ट्रीट कराओ HCrO3 के प्रिंस में तो क्या बनेगा 9-10 इंथ्रासीन। फिर इसका जब रिडक्शन कराते हैं तो इंथ्रासीन बन जाता है। फिर बेंजीन से थैलिक एनहाइड्राइड के थ्रू बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी, जब क्या हो रहा है बेंजीन को हम इसको हम हावर सिंथेसिस भी कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, जब बेंजीन को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो आपका कार्बोक्सिलिक और कीटो ग्रुप दोनों मिलता है। फिर इसका सल्फोनेशन कराते हैं तो इंथ्राक्विनोन, फिर दोबारा रिडक्शन कराते हैं तो इंथ्रासीन मिल जाता है। फिर केमिकल रिएक्शन मैंने बताया था, ये आपको दो है, इंथ्रासीन का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं इपॉक्साइड, इंथ्रासीन इपॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसका क्या करा है, इंथ्रासीन का क्या करा रहे हैं कि जब हम वो कराते हैं क्या कहते हैं ये आपका हैलोजिनेशन कराते हैं तो भी आपके इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है आपका कि ये क्या नाम है कि इंथ्रासीन का जो हम करा रहे हैं कि आपका ये वो इसमें मैंने बताया था ये वाला आपको पार्ट है। तो जब मैंने क्या बताया था इंथ्रासीन ये वाला पार्ट, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि जब ये जैसे ये नेफ्थलीन, ठीक है, नेफ्थलीन को ये थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, थैलिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन ये है, जब नेफ्थलीन को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट कराते हैं AlCl3 के प्रेजेंस में तो आपका ये कंपाउंड बनता है। फिर इसका सल्फोनेशन कराते हैं तो इंथ्राक्विनोन में कन्वर्ट होता है।
फिर जब रिडक्शन कराते हैं तो इतना सीन बन जाता है। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिएगा, हावर सिंथेसिस को हम कहते हैं। फिर इसको क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में डाइगैलर्स रिएक्शन ये मैंने बताया था। फिर इसका बताया था कि जब इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो इंट्रासिन इपॉक्साइड में हो जाएगा। फिर मैंने क्या बताया था, जब इसका हेलोजिनेशन कराएंगे, ये तो मैंने बता दिया। फिर मैंने क्या बताया था कि ये तो हो गया आपका ये। फिर ये केमिकल रिएक्शन डाइएल्सर्स वाला, फिर दूसरा क्या है इपॉक्साइड वाला, फिर हेलोजिनेशन ऑफ एंथ्रासीन। क्या कह रहा है ये कि हेलोजिनेशन वाला, हेलोजिनेशन में क्या कह रहा है एक बार और देख लीजिए। इसमें क्या कह रहा है हेलुजिनेशन वाला में कि आप कैसे हेलुजिनेशन करा रहे हैं एंथ्रासीन के, तो ये क्या होता है। ठीक है, इसमें भी मैंने बताया था हेलुजिनेशन में क्या होता है, इसका भी मैंने सब बताया था। तो हेलुजिनेशन में रिएक्शन आपका होता है। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन मैंने मेथिलीन का बता दिया था, इसका रिडक्शन कैसे होता है ये बताया था, ऑक्सीडेशन में कौन कौन से होता है, ऐसे ही आपका फिनेंथ्रीन का एंथ्रासीन का। ठीक है, एंथ्रासीन में क्या था, एंथ्रासीन का डायगेल्डर्स सबसे पहले मैंने क्या बताया था केमिकल एंथ्रासीन का, ये तो एंथ्राक्विनोन हो गया हेलोजिनेशन। फिर एंथ्रासीन का हेलोजिनेशन कराएंगे तो 9-10 पे डाइहाइड्रो एंथ्राक्विनोन एंथ्रासीन होगा। फिर दोबारा हेलोजिनेशन कराएंगे 9 डाइहाइड्रो 9 आपका ये क्लोरो जो भी होगा वो आपका बन जाएगा। फिर ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीडेशन तो डाइल्यूट नाइट्रेट बेस होते तो ये आपका 19 एंथ्राक्विनोन होता है। रिडक्शन कराएंगे सोडियम मेटल में तो आपका 9-10 डाइहाइड्रो एंथ्राक्विनोन हो जाता है। फिर आता है एंथ्राक्विनोन। ठीक है, एंथ्राक्विनोन हम कैसे बनाते हैं इसका बात हम कर रहे हैं। एंथ्राक्विनोन के लिए सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसका स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि आपका दो बेंजीन रिंग है और क्या हो रहा है कि बॉन्ड रिप्लेस हो जा रहा है एंथ्रासीन वाला, उसके बाद क्या ऑक्सीडेशन होती है एंथ्राक्विनोन, इसको 9-10 डाइहाइड्रो एंथ्राक्विनोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड इसमें है नहीं। फिर क्या कह रहा है ये, ठीक है, आपका था प्रिपरेशन। प्रिपरेशन कैसे करते हैं, प्रिपरेशन में क्या है एंथ्रासीन, जब एंथ्रासीन को डाइल्यूट HNO3 या K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं तो 9-19 डाइहाइड्रो एंथ्राक्विनोन जो अभी मैंने बताया, या बेंजीन को थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला ये होता है उसके साथ एसाइलेशन फिलर क्रॉप रिएक्शन कराएंगे तो पहले ये चेन बनेगा, फिर इसका जब सल्फोनेशन कराएंगे तो फिर केमिकल रिएक्शन एंथ्राक्विनोन का जब क्या कराते हैं जिंक के साथ क्या कराते हैं डिस्टिलेशन, जब इसका डिस्टिलेशन कराएंगे तो क्या होगा एंथ्रासीन में कन्वर्ट हो जाएगा, जब इसका रिडक्शन कराएंगे तो 9-एंथ्रोन में कन्वर्ट हो जाएगा, जब NaOH के प्रेजेंस में कराएंगे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप। नाइट्रेशन भी देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रेशन में क्या हो रहा है कि जब
रहा है ये। एक बार नाइट्रेशन में देख लीजिए इसका नाइट्रेशन में क्या खा रहा है। नाइट्रेशन में नाइट्रेशन में क्या खा रही है कि आपका जब क्या कह रहा है एंथाक्विनोन नाइट्रेशन कराते हैं HNO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में, तो 1 नाइट्रो 9 10 एंथाक्विनोन में कन्वर्ट होता है। फिर दोबारा नाइट्रेशन कराओगे तो 1 5 डाई नाइट्रो एंथाक्विनोन में कन्वर्ट होगा या 1 8 डाई नाइट्रो एंथाक्विनोन। तो ये आपका मेजर होता है, ये माइनर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन क्या है? सल्फोनेशन में बताया है, सल्फोनेशन में क्या कह रहा है कि जब ओलियम के साथ इसको 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं एंथाक्विनोन 2 सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और यस स्मॉल अमाउंट में आपका ये फर्स्ट पोजीशन पे एंथाक्विनोन 1 सल्फोनिक एसिड में भी आपका बनता है। ठीक है, या इसका आपका ये बन जाता है। फिर क्या कह रहा है कि अगर आप इसका जब इसका वो बन जाता है, जब इसको क्या कह रहा है कि एंथाक्विनोन जो होता है वो फिल्टर का आपके अंदर को नहीं आता है। तो जब क्या कह रहा है कि जब इसका सल्फोनेशन कराते एंथाक्विनोन 2 सल्फोनिक एसिड है उसको हम क्या करेंगे अमोनिया के साथ ट्रीट गर्म करेंगे आपका ये प्रोडक्ट बन जाता है, अमोनियम ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है एजिरीन का बहुत एलाजिरीन का स्ट्रक्चर क्या है, 2 OH ग्रुप आपका एंथाक्विनोन में 2 OH ग्रुप जुड़ जाएगा। इसको 2 1 2 डाई हाइड्रो एंथाक्विनोन भी कह सकते हैं, पहला और दूसरे पोजिशन पर हाइड्रो ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, प्रिपरेशन क्या है एंथाक्विनोन का, जब हम सल्फोनेशन कराते हैं 19 एंथाक्विनोन 2 सल्फोनिक एसिड बनता है, फिर सोडियम एनोज के साथ ट्रीट कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपके एलिजारीन बन जाता है। प्रिपरेशन ऑफ एलिजारीन ग्रुप कैसे बनता है, इसमें यह एमाइड पीरीडीन वाली लिंक बन जाएगी, एक तरह से ये बन जाएगा। फिर आता है बात फेनिथ्रीन का, ये सब मैंने पिछले वीडियो में बताया लेकिन दोबारा बता दे रही हूँ जिससे आपको खुद फिनेथ्रीन का 2 स्ट्रक्चर बना सकते हैं, देख लीजिए। ठीक है, एक बार इसको देखिए फिनेथ्रीन का कैसे जोड़ इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, नंबर एक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 या ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये इसका चलते हैं। ये बात देख रहे दोनों तरह से फेनेंथ्रीन को हम बना सकते हैं, ठीक ऐसे भी बन जाएगा और आपका। ठीक है, ये आपका फेनेंथ्रीन का कैसे बनता है ये आपको पता है। पोजीशन बताया है ये भी मैंने आपको बताया था, उसमें
कैसे होगा? मोस्ट स्टेबल एंजाइटिंग ये होता है फेंटनिल का सुप्रेशन ऑफ फेंटनिल कैसे हावर्ट्स मेथड के थ्रू नेथिलीन ले लेंगे इसको जब सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करेंगे तो आपका पहले ये बनेगा कंपाउंड, क्लेमेंसन रिडक्शन कराएंगे तो ये बनेगा कंपाउंड, फिर इसका जब वो सल्फोनेशन कराएंगे तो ये पूरा ग्रुप है तो रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा और कीटो ग्रुप जुड़ जाएगा, फिर इसका जब रिडक्शन कराएंगे तो आपका फेंटनिल बन जाएगा। दूसरा प्रिपरेशन क्या है आपका? पहला तो ये हो गया एल्किल फेंटनिल, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल फेंटनिल। एल्किल वन एल्किल फेंटनिल कैसे बनाते हैं? लीगल एजेंट्स के साथ आर एम जी एफ ग्रुप के उसके साथ ट्रीट करो, ठीक है। उसके साथ भी ट्रीट करके हम बना सकते कैसे बनाते हैं वन एल्किल फेनेंथ्रीन को? जब क्या कह रहा है कि आपका ये वाला ग्रुप है इस आर एम जी एक्स ग्रुप ये बनेगा, फिर इसके एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो वन एल्किल फेनेंथ्रीन बनेगा। टू एल्किल फेनेंथ्रीन में क्या होगा? सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करोगे तो ये बनेगा नेथिलीन को, फिर उसके बाद क्या होगा इसका होगा, फिर ये रिडक्शन करेंगे तो ये बनेगा, तो फिर आपका ये एक तरह से समझो आप इसका क्या करा रहे हैं हावर सिंथेसिस करा रहे हैं, ठीक है। एक बार देखो इसको कैसे बना रहा है। पोशर सिंथेसिस इसमें क्या कर रहा है कि टू नाइट्रोबेंजल्डिहाइड को जब एसीटेट साल्ट लेते हैं इसका जो एसीटेट बेंजाइल एसीटेट लेंगे सोडियम साल्ट लेंगे उसका तो क्या होगा एसाइलेशन कराएंगे तो आपको ये बनेगा, फिर क्लेमेंसन रिडक्शन कराएंगे तो एन एच टू में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इसका एन सोडियम नाइट्राइड के साथ करेंगे तो ये बनेगा, फिर इसको कॉपर के साथ लेना तो बन जाएगा। केमिकल रिएक्शन क्या है ये भी मैंने बताया था आपको, इसको देख लो 9-10 डाई हाइड्रोफेनेंथ्रीन कैसे बनेगा? जब इसका अल्कोहल के साथ सोडियम मीटर के साथ ट्रीट करोगे, जब इसका ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करोगे तब वाई फिनाइल टू डैश टू डाई कार्बल्डिहाइड बनेगा, जब इसका ब्रोमिनेशन कराओगे तो 9-10 ब्रोमो 9-10 डाई हाइड्रोफेनेंथ्रीन बन जाएगा। अगर बी आर टू या फिर बी आर थ्री के साथ ट्रीट होगा तो 3 ब्रोमो 9-10 डाई हाइड्रोफेनेंथ्रीन बनेगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ अल्कोहल के साथ प्रेजेंट करोगे तो डाई फिनिक एसिड बनेगा। इसको देखो कैसे बना, क्या कर रहा है फेनेंथ्रीन का वो क्या कर रहा है 19 डाइहाइड्रो फेनेंथ्रीन में कैसे कर सोडियम और अल्कोहल के साथ ट्रीट करेंगे, जब इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो आपका बाइफेनाइल डाई एथिलहाइड बन रहा है, जब इसका ब्रोमिनेशन करा रहे हैं तो ये बन जा रहा है, जब इसका ब्रोमिनेशन IPBr3 के साथ करा रहे हैं तो 9 ब्रोमो 9 डाई हाइड्रोफेनेथ्रीन बन रहा है, जब अल्कोहल और हाइड्रोजन कर रहे हैं फेनिक एसिड बन जा रहा है। एक बार इसको देखिए, ठीक है। फिर क्या कर रहा है बेंजाइल बेंजोइक रिअरेंजमेंट, ये आप पढ़ना नहीं, पेंथाक्विनोन ये आपका ये हो गया।
फिर आप बात करते, हम इसी में है आपका बीच में पढ़ना, मैंने बताया था डाइफेनहाइड्रामीन का यूज, डाइफेनाइल मेथेन का प्रिपरेशन यूज। प्रिपरेशन क्या है, इसका यूज क्या है ये भी बताया था। प्रिपरेशन में क्या है, मैंने ये भी बताया था। बेंजाइल क्लोराइड को क्या कर रहा है, बेंजीन के साथ ट्रीट करा रहा है, डाइफेनाइल मेथेन बन जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा बता रहे हैं। या दो मॉलिक्यूल बेंजीन को लेकर CH2Cl2 के साथ ट्रीट करा रहा था, डाइफेनाइल मेथेन बन जा रहा है, ठीक है। या बेंजोफिनोन के थ्रू, बेंजोफिनोन को जब इसको इसके साथ ट्रीट कर रहा है ZNHD के साथ, तब डाइफेनाइल मेथेन बन जा रहा है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन हाइड्रेशन बताया था, हाइड्रेशन में क्या बताया था ये भी देख लूँ। हाइड्रेशन में क्या कर रहा है, डाइफेनाइल मीथेन को जब HNO3 या H2SO4 के साथ है, तो 1 बेंजाइल 1,4 डाइनाइट्रो बेंजीन बन जा रहा है। जब इसका दोबारा नाइट्रेशन करा रहा है तो 20 नाइट्रो बन जाए। ये हो गया, ठीक है। फिर दूसरा क्या, हेलोजिनेशन। जब डाइफेनाइल मेथेन को ब्रोमिनेशन कराते हैं तो डाइफेनाइल मिथाइल ब्रोमाइड बन जाता है। तीसरा ऑक्सीडेशन, जब डाइफेनाइल मेथेन का K2Cl2O7 के साथ H2SO4 के प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या होता है, बेंजोफिनोल बन जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया ही था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे इलेक्ट्रोफाइल काम करता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। नेपथिलीन का कैसे इसमें काम करता है, कैसे क्या करते हैं, ठीक है। इसके पहले क्या कर रहे हैं, नेपथिलीन का एक बार दोबारा, मैं बार बार इसको बता रही इस चैप्टर को, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से याद है। तो कैसे पढ़ाया था मैंने आपको कि जब उसका सल्फोनेशन कराएंगे अलग अलग टेम्परेचर पे, अगर हम 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, अगर हम 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बना रहे हैं तो क्या बन रहा है, अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, नेफ्थलीन 1 सल्फोनिक एसिड बन रहा है, अगर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, नेफ्थलीन 2 सल्फोनिक एसिड बन रहा है, अगर इसका क्लोरीनेशन करा रहे हैं तो 1 क्लोरोनेफ्थलीन बन जा रहा है, एसिटाइलेशन करा रहा है तो एसिटाइल नेफ्थलीन बन जा रहा है। देख लीजिए आपको कैसे क्या बन रहा है, फिर इसका क्या कह रहा है कि जब इसका CH3COCl के साथ करा था तो 1-acetylnephthalene बन जा रहा है, और जब हम इसको इसके साथ ट्रीट करा रहे तो ये बन जा रहा है, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था, ये आपका इसका डेरिवेटिव फेनेंथ्राक्विनोन कैसे बना, इसका भी ऑक्सीडेशन हो जा रहा है तो फेनेंथ्राक्विनोन बन जा रहा है, किसके प्रेजेंस में, K2Cl2O7 और H2SO4, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो आपके कंपाउंड एरोमेटिक रिंग कौन कौन फॉलो करेंगे, एरोमेटिसिटी कौन कंडीशन होती है, यू तो जो जो कंपाउंड हो साइक्लिक हो
दूसरा प्लेनर हो, तीसरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करे, चौथा क्या, मेरा था ना, कितने बजे से, कितने बजे से है आपका? दो बजे, दो पर, एक पटपन पे मेरा है। देखिए वीडियो बन रहा है, हाँ यही पढ़ा रहे हैं। देखिए अभी हम आधा घंटा बनाने चले जाएंगे, ठीक है? आधा घंटा फिर बना लेंगे, फिर मेरा एक पटपन पे है तो हाँ हम आधा घंटा, नहीं मेरा है एक पटपन से ना, चेक करेंगे सर, एक पटपन पे हम फिर आ जाएंगे, आधा घंटा बनाएंगे, फिर आधा घंटा हम छोड़ देंगे, आधा घंटा फिर आकर बना लेंगे। अभी हम आधा घंटे का ब्रेक लेंगे, हाँ तो 3 मिनट ही बता दे, ढाई हो जाएगा। वीडियो बन रहा है, देखिए अभी हम आपको सिखा दे रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं सर? तो मैंने क्या बताया आपको, तो ये मैंने बताया कि एरोमेटिक में क्या होना चाहिए कि ये साइक्लिक हो, प्लेनर हो, और आल एटम जो हो क्या sp2 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो कर, और क्या कह रहा है, आल द डबल बॉन्ड मस्ट बी कंजुगेटेड, और क्या हो कि डबल बॉन्ड जो हो कंजुगेटेड हो, ओबे करे हकल रूल को, ठीक है, हकल रूल को फॉलो करे, और क्या कह रहा है कि एरोमेटिक कंपाउंड हो और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को भी फॉलो करो, ठीक है, तो 4n+5 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे, हकल रूल को भी फॉलो करे, और ये सब चीज़ें आपका एरोमेटिक कंपाउंड में बता रहा है। जैसे एग्जांपल दिया, जैसे ये क्या कह रहा है कि जो हकल रूल, जैसे n इक्वल टू होता है 0, 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ साइकिल, कितने रिंग है साइकिल रिंग, जैसे ये बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन है, बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3 6 पाई बॉन्ड है, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, रिंग कितना है, 1 है, तो कैसे होगा इसका, उस तरह भी मतलब n+4 पाई इलेक्ट्रॉन, n क्या है, 1 है, 1+4 n plus इसका फॉर्मूला क्या है देख लीजिए, n 4n+2 यानी 4 × 1+2 यानी 4 × 1 पाई प्लस दो यानी 6, एक ही है यानी 6, उस तरह भी आपको 6 आ रहा है, फिर ऐसे भी इसमें क्या है 10 यानी 2 × 4 = 6 पाई बॉन्ड यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन। फार्मूला से देख लीजिए, फार्मूला क्या होगा, नेफ्थलीन वाला, 4 × 8 + 10 यानी 10, यानी ये जो आपका ये है ये भी एंथ्रासीन, 14 × 2 = 7 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसे भी देख लीजिए यानी 4 × 12 + 2 = 14 यानी ये भी एंथ्रासीन, यानी नेफ्थलीन, बेंजीन, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन आपका क्या कर रहा है, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड शो कर रहा है, ठीक है, इसको मैंने बताया है कि कैसे एरोमेटिक कंपाउंड शो कर रहा है, कैसे पाई इलेक्ट्रॉन है बताया, इसमें 3 है पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, उस तरह भी 4n+2 के हिसाब से भी एक ही रिंग है, n = 1 4 × 2 = 6 यानी 6 वो भी हो गया, n = 2 तो 4 × 8 + 2 यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन, फार्मूले से बैठ जा रहा है, इसमें भी ऐसे हो रहा है, इसमें भी देख लीजिए आप फार्मूले से कैसे बैठ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 है तो क्या है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n यानी 1, 2, 3 4 × 4 × 3 12 + 2 यानी 14 यानी 14 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी ये हकल रूल को भी फॉलो कर रहा है। अभी अपने बाद में आगे